हेलो रोनित, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनमोल और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी हेयर को कैसे तेजी से बढ़ा सकते हैं, अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, यदि आपको फैशन, ब्यूटी, फिटनेस और होम रेमेडीज से रिलेटेड, हेयर ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और साथ ही आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात और, यदि लड़के लोग, जो भी लड़के लोग, बॉयज लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बता दूं कि मेरा एक अदर चैनल है जहां पर मैं बॉयज लोगों के लिए फिटनेस, फैशन, ब्यूटी और साथ ही जो वॉइस की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, जो लड़के लोगों के बीच की बातें होती है, मैं उनके लिए भी टिप्स और उनकी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन लेकर के आता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ जाकर उसके लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो जाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। हमारा टुडे का टॉपिक ये है गाइस कि प्याज के रस और विटामिन ई हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। प्याज के रस में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को एकदम बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। विटामिन ई जो होता है वो हमारी बालों की जड़ों में जाता है, उनकी स्कैल्प को अच्छा करता है, तो ये भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको मैं बनाना कैसे। तो आपको मैं बता दूं कि आपको प्याज का रस निकाल लेना है, मिक्सर में पीस कर, जार में जो भी है उसको ठीक से छान कर उसका रस निकाल लेना है। और गाइस, लगभग 4 चम्मच प्याज के रस में 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिलाना है आपको। और उसके बाद आपको करना है कि आपको अपने बालों में ठीक तरह से करके बालों में मसाज करनी है 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको करना ये है, आपको अपने बालों को गाइस साफ पानी से धो लेना है। और 1 मिनट रुकिए, आपको 15 से 20 मिनट तक मसाज करनी है। उसके बाद आपको अपने बालों को 2 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे तक आपके बालों में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। 2 घंटे बाद आप अपने बालों को साफ पानी से धो सकते हैं। तो कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं क्या, रेमेडीज़ के। तो भाई, यदि आप भी कोई भी घरेलू नुस्खा यूज़ करते हो तो उस दिन शैम्पू का यूज़ मत किया करो, क्योंकि उससे जो है बालों का जो नेचुरल ऑयल है, जो पोषण तत्व हैं, जो रेमेडी यूज़ करते हैं, उसका असर बहुत कम हो सकता है। तो आप हो सके तो शैम्पू का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। तो आप इसका यूज़ करें दिन में 1 बार और हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। इसे 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दे देगा, आपके बाल थोड़े घने हो जाएंगे और बालों की गाइस आप भी देखोगे कि बाल जो है तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तो लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।